जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। हमारी जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम फिलहाल में पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने जो लोस मोदे का जो मॉडल था, जिन्होंने मांग शंकु दिया था, ठीक है, जिनको मांग अवस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि लाभ का लोस का लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत, ठीक है। अब लाभ का अधिकतमीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लोस के द्वारा दिया गया। मांग अवस्थिति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लोस के द्वारा दिया गया। कौन सी किताब में लिखा गया था ये सिद्धांत, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो किताब कब लिखी गई थी, उस किताब का जर्मन भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था, कब किया था, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेबर मोदे और जो लोस मोदे का मॉडल है उसमें एक सबसे बड़ा अंतर था, वो अंतर आपको पता होना चाहिए। जो लोस मोदे ने वेबर मोदे का क्या किया था, खंडन किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेबर मोदे और लोस मोदे के मॉडल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो कौन सा था। इसके अलावा यहाँ पर आपको मान्यताएं सभी की सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि लोस के सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं थी, ठीक है। जब ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हमने पिछली वाली क्लास में इन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लोस के कारखाना स्थिति निर्धारण के तीन सिद्धांत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वेबर मोदे किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सबसे बेस्ट दशा किसको मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोस मोदे किसी उद्योग की स्थिति को लेकर या किसी उद्योग की अवस्थिति को लेकर सबसे उपयुक्त स्थान किसको मानते हैं। दोनों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। लोस ने कारखाने की स्थिति को समझाने के लिए तीन सिद्धांत बताए, जिसमें पहला होता है लागत आधारित कारखाना स्थिति निर्धारण सिद्धांत, दूसरा कुल प्राप्ति आधारित कारखाना स्थिति निर्धारण सिद्धांत, और तीसरा होता है लाभ आधारित कारखाना स्थिति निर्धारण सिद्धांत, ठीक है। लागत आधारित कारखाना स्थिति निर्धारण सिद्धांत ये कुल लागत के बारे में बता रहे हैं। भाई, एक जगह तो बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, ठीक है, एक जगह बहुत ज़्यादा लागत पर क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहीं दूसरी जगह वही प्रोडक्ट बिल्कुल कम लागत पर बन रहा है। तो जहाँ पर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा लागत पर बन रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट कम होगा, जहाँ पर कोई जो प्रोडक्ट वो कम लागत पर बन रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट अधिकतम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लागत है वो किसी उद्योग की या कारखाने की स्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा होता है कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति का मतलब है कि टोटल कितनी आय हो रही है, यह भी कारखाने की स्थिति को प्रभावित करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है लाभ, कि आपको वहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है। भाई, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, जिसका लोस मोदे ने बिल्कुल क्या किया, साफ साफ तरीके से स्पष्टीकरण किया है कि उद्योग वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हमें टोटली कुल मिलाकर ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा है लोस मोदे ने, जो कि मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। अब मैं इन तीनों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। लागत आधारित कारखाना स्थिति निर्धारण, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, लागत, लागत का मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। भाई, आप कोई भी फैक्ट्री लगाओगे तो आप कहाँ कहाँ पर लागत लगाओगे। पहला, कच्चे माल का मूल्य। भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, तो वो कच्चे माल की जो लागत है, एक तो वो हो गया, क्योंकि उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा ना। दूसरा, भूमि का किराया। आप अपनी फैक्ट्री को जहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर आप अपने गोदाम बनाओगे, वहाँ पर क्या लगेगा, किराया लगेगा। या तो आप ज़मीन खरीदोगे तो आपको एक साथ पे करना पड़ेगा, या आपको रेंट पर लेना पड़ेगा। परिवहन पे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। भाई, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुँचाओगे, तैयार माल को फैक्ट्री से कहाँ तक पहुँचाओगे, आप मार्केट तक पहुँचाओगे, ये सारा का सारा काम किसके द्वारा होगा प्यारे साथियों, परिवहन के द्वारा होगा। अब मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि लोस मोदे ने टोटल 5 शब्दों का प्रयोग किया था। क्या किया था, 5 शब्दों का प्रयोग किया था। आप बताओ कि कौन सा शब्द हमारे इस स्टेटमेंट के साथ सुमेलित तो होगा। लोस मोदे ने एक शब्द में बताया था कि
जो लागत होती है ना, मतलब कच्चे माल स्रोत से कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री से तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाना, ये जो दोनों लागत हैं इनको यदि हम ऐड करते, यदि इनको हम जोड़ दें, तो वो कौन सा व्यय बनेगा या कौन सी लागत बनेगी? ये कल हमने पढ़ाया था, उसके लिए लोस मोदे ने एक स्पेशल प्रकार के कीवर्ड का उपयोग किया था, तो वो कीवर्ड बताओ कौन सा था, ठीक है ना? ये मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीपली उन लोगों के लिए जिन्होंने कल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, बाकी जिन्होंने थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ा होगा उनका आंसर आ चुका होगा। उसके बाद श्रमिक लागत, लेबर चार्ज, भाई लेबर को तो आपको खर्चा देना पड़ेगा ना, उनको तो आपको किराया देना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपके एरिया में लेबर 500 रुपये पर डे में आती हो, हमारे एरिया में 400 में आती हो सकता है आपके किसी एरिया में 800 रुपये में लेबर आती हो, तो वो भी किसको प्रभावित कर रहा है, खर्चे को प्रभावित कर रहा है। भाई लेबर महंगी आएगी तो क्या बनेगा, लागत ज़्यादा जाएगी, लेबर सस्ती आएगी तो लागत कम बनेगी। उपकरण और मशीनीकरण का लागत, अब उपकरण और मशीनीकरण का मतलब क्या हुआ, भाई आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मशीनें लगेंगी तो उनकी लागत आएगी, उन मशीनों को खरीदना पड़ेगा, उन मशीनों का आपको मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा। आप अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तो उपकरण के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा। सुरक्षा, आपको सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी लगाना होगा, ठीक है, एक गार्ड बिठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी यदि फैक्ट्री बड़े लेवल पर काम कर रही है तो आपको बहुत सारे गार्ड बैठाने पड़ जाएं। लॉस ने लागत व्यय के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष को पूर्ण स्वतंत्र क्षेत्र माना है, ठीक है। लॉस ने लागत व्यय का मतलब हुआ कि टोटल खर्चे के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष को पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्षेत्र माना है, ठीक है, कि कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें मैक्सिमम कितना भी खर्चा हो सकता है, ये लॉस मोदे ने माना है। लॉस ने बताया कि किसी कारखाने की संभावित स्थापना स्थिति को निम्न तीन कारक प्रभावित करते हैं। लॉस मोदे ने बताया कि यदि हम किसी भी स्थान के ऊपर कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी कारखाना लगाते हैं, तो उसकी स्थापना को ये टोटली तीन फैक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें एक आता है परिवहन की लागत, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बोलते हैं, दूसरी है उत्पादन लागत कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, और तीसरा कुल लागत कि टोटल कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो लॉस मोदे ने बताया कि किसी भी कारखाने की संभावित स्थापना स्थिति को ये तीन कारक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत है इनका, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, परिवहन लागत आधारित स्थिति को, ठीक है। अब ये परिवहन लागत आधारित स्थिति क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखो, परिवहन लागत का मतलब क्या होता है, न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु की स्थिति का परिसीमन, ठीक है। न्यूनतम परिवहन लागत का मतलब हुआ वो स्थान जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल कम आ रहा है। भाई एक तो स्थान ऐसा है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही 1000 रुपये आ रहा है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा केवल 100 रुपये आ रहा है, या 200 रुपये आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा वहाँ पर प्रॉफिट कम होगा, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा वहाँ पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अब हम परिवहन लागत को समझते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, ठीक है। स्थानीयकरण त्रिभुज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था, अब ये आपको याद आ जाना चाहिए कि स्थानीयकरण त्रिभुज शब्द का प्रयोग किसने किया, कौन से सिद्धांत से संबंधित था, कौन सी स्थिति को समझाने के लिए स्थानीयकरण त्रिभुज को काम लिया जाता है, ठीक है। अब परिवहन लागत को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो, कच्चे माल को एकत्रित करने, कारखाने तक पहुंचाने, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है ना, उसको हम परिवहन लागत कहते हैं। भाई आप कच्चे माल को कलेक्ट कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो, सपोज डेट आपकी फैक्ट्री में टोटल एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 कच्चे मालों की ज़रूरत है, तो आप एक ट्रक भेजोगे अपनी कंपनी से, वो क्या करेगी, वो जो ट्रक है वो उन 5 जगहों से कच्चे माल को उठाएगा, ठीक है, अपने अंदर भरेगा और फिर आपकी फैक्ट्री तक पहुँचाएगा। तो उस ट्रक ने 2 काम कर दिया, पहला कच्चे माल को इकट्ठा किया अलग अलग जगह से, फिर उसको आपकी फैक्ट्री तक पहुँचाया, फिर वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो ट्रक भरेगा और फिर उसको मार्केट तक लेकर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। उत्पादन के सभी कारकों में सर्वत्र समान होने पर परिवहन लागत के आधार पर कारखाने की स्थिति निर्धारित की जाती है। लॉस मोदे ने बताया कि यदि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बाकी के सभी फैक्टर क्या हैं, बिल्कुल एक समान है सभी जगह पर, ठीक है। लॉस मोदे ने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बाकी के जो कारक हैं वो सभी जगह पर बिल्कुल एक समान है, जैसे लेबर चार्ज बिल्कुल एक समान है, ठीक है, भूमि का किराया सब जगह एक समान है,
ठीक है, बिजली का बिल सब जगह एक समान है, पानी का बिल एक जगह सब जगह एक समान है। तो यदि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बाकी के समस्त कार्य के एक समान है, कच्चे माल की कीमत सब जगह एक समान है, तो फिर उद्योग की स्थापना किसके द्वारा प्रभावित तो होगी? वो होगी परिवहन लागत। अब यदि सभी के सभी कारक बिल्कुल सर्वत्र एक समान है, तो फैक्ट्री को वहां पर लगाया जाएगा जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिनिमम आएगा। ठीक है, न्यूनतम परिवहन लागत के निर्धारण हेतु लोस मोदे ने तीन विधियों का प्रयोग किया। ठीक है, किसके लिए? न्यूनतम परिवहन लागत के समझाने के लिए कि कहां पर खर्चा सबसे कम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, या कहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सबसे कम आएगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए लोस मोदे ने तीन शब्दों का प्रयोग किया। एक स्थानीय त्रिभुज है, दूसरा यांत्रिक मॉडल है, और तीसरा संपरिवहन रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये बताओ लोस मोदे ने परिवहन लागत को या न्यूनतम परिवहन लागत को अच्छे तरीके से समझाने के लिए किस किस का प्रयोग किया था? अब आपको आइसोडोपेन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि आइसोडोपेन होता क्या है। आइसोटिम आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्रिटिकल आइसोडोपेन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये जो तीनों के तीनों आइसोडोपेन हैं, आइसोटिम, आइसोडोपेन, क्रिटिकल आइसोडोपेन, तीनों होती क्या है, तीनों की डेफिनेशन क्या है, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ साथ ही साथ आपको जो स्थानीयकरण त्रिभुज है, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वेबर मोदे के अनुसार स्थानीयकरण त्रिभुज की क्या विशेषता थी। वेबर मोदे ने स्थानीयकरण त्रिभुज का उपयोग कौन सी स्थिति में किया था, या कौन सी दशा को समझाने के लिए किया था, ये भी आपको अब याद आ ही जाना चाहिए। ठीक है भाई लोगों, अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थानीय त्रिभुज से, ये होता क्या है। देखो, स्थानीय त्रिभुज लोस के अनुसार यदि दो कच्चे माल, लोस के अनुसार यदि दो कच्चे माल स्रोत समान बाजार स्थिति है, ठीक है, लोस मोदे ने बताया भाई स्थानीय त्रिभुज का उपयोग लोस मोदे ने कौन सी स्थिति में किया, जब दो कच्चे माल के स्रोत हैं और समान बाजार की स्थिति है, मतलब बाजार एक समान है, तो कारखाने की स्थापना तीनों स्थानों, दो कच्चे माल और बाजार स्थान से बनने वाले त्रिभुज के अंदर ही होगी, क्योंकि परिवहन लागत कम आएगी। इसके विपरीत यदि कारखाने की स्थापना तीनों स्थानों से बनने वाले त्रिभुज से बाहर की जाए तो परिवहन की लागत ज्यादा आएगी। अब देखो लोस मोदे के द्वारा जो स्थानीय त्रिभुज है उसका प्रयोग कब किया गया, कौन सी स्थिति में किया गया, कौन सी दशा में किया गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। लोस मोदे ने बताया कि हम स्थानीय त्रिभुज को, किसी भी उद्योग की स्थापना को स्थानीय त्रिभुज के माध्यम से हम कब समझेंगे, जब हमारे पास दो तो कच्चे माल के स्रोत होंगे, एक हमारे पास बाजार होगा। ठीक है, या मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि यदि हमारे पास दो कच्चे माल के स्रोत हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने के लिए हमें जो कच्चे माल चाहिए उसके दो स्रोत हैं, ठीक है, और तीसरा हमारे पास बाजार है, मतलब एक बाजार है, दो कच्चे माल के स्रोत हैं। ठीक है, जैसे एक कच्चा माल का स्रोत ये हो गया, एक कच्चा माल का स्रोत ये हो गया, एक हमारे पास ये बाजार हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना ये तीनों के तीनों इस डायरेक्शन में होने चाहिए ताकि एक त्रिभुज की आकृति बने। यदि ऐसा हो कि एक कच्चा माल स्रोत ये रहा, एक कच्चा माल स्रोत ये रहा, और यहाँ पर क्या है, बाजार है, तीनों के तीनों एक लाइन में, तो यहाँ तो आप ट्रायंगुलर बना ही नहीं सकते, त्रिभुज किसी स्थिति में बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, लोस मोदे ने यही माना है कि यदि दो कच्चे माल के स्रोत हैं, एक बाजार है, तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। लोस मोदे ने इस बात को नहीं समझा कि भाई इस स्थिति में एक रेखा भी बन सकती है, क्या बन सकती है, एक रेखा भी बन सकती है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, रेखा बनेगी तो क्या हमें उद्योग की स्थिति को समझने में दिक्कत आएगी, भाई नहीं आएगी दिक्कत। भाई यहाँ पर एक कच्चे माल का स्रोत है, यहाँ पर एक कच्चे माल का स्रोत है, यहाँ पर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं सपोजिट, यहाँ पर बाजार है, तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ से हम कच्चा माल उठा लेंगे, यहाँ से हम प्रोडक्ट को बेच देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। लेकिन ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी कि हम ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हम अपनी फैक्ट्री को इस त्रिभुज के बाहर लगाएं या इस त्रिभुज के अंदर ही लगाएं। ठीक है, लोस मोदे ने बोला कि यदि दो कच्चे माल के स्रोत हैं और एक बाजार है, तो उस स्थिति में आप क्या करो,
अपना जो उद्योग है उसको बनने वाले त्रिभुज के अंदर ही लगाओ। सपोज डैट यहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी कम दूरी पड़ेगी, यहाँ से भी कम दूरी पड़ेगी, यहाँ से भी कम दूरी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर लगाते हो, कहाँ पर लगाते हो, यहाँ पर लगाते हो या फिर यहाँ पर लगाते हो, यहाँ से कम दूरी पड़ेगी, यहाँ से कम दूरी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूरी पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप अपनी फैक्ट्री को बनने वाले त्रिभुज के अंदर लगाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, लेकिन यदि आप अपनी फैक्ट्री को बनने वाले त्रिभुज के बाहर लगाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो आप खुद बताओ ऐसी स्थिति में आप अपने कारखाने को कहाँ पर लगाओगे, उपयुक्त दशा कौन सी होगी, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो लोस मोदे ने बताया कि यदि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में दो कच्चे मालों की आवश्यकता है, एक बाजार है, ठीक है, और इन तीनों से के द्वारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज का आकार बन रहा है, तो इस स्थिति में हमें अपने उद्योग को उस बनने वाले त्रिभुज के अंदर लगाना चाहिए ना कि बाहर। क्यों लगाना चाहिए अंदर, क्योंकि अंदर परिवहन की लागत कम आती है जबकि बाहर परिवहन की लागत ज़्यादा आती है, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगुलर से आप समझ गए होंगे। स्थानीय त्रिभुज या स्थानीयकरण त्रिभुज के अंदर उद्योग की स्थापना वहीं पर होगी जहाँ पर परिवहन की लागत कम होगी। अब उस त्रिभुज के अंदर हम अपने उद्योग को कहाँ पर लगाएं, भाई ये त्रिभुज बना था, अब इसके अंदर हम अपने फैक्ट्री को कहाँ पर लगाएं, तो इसके अंदर भी हमारा उद्योग वहाँ पर लगेगा जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे का मतलब है टोटल ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की बात हो रही है, ठीक है। किसी कच्चे माल का स्थापन कच्चे माल के स्रोत के का पता लगाने पर एक नया त्रिभुज बन जाता है, ऐसी स्थिति में कारखाने की स्थापना नवीन त्रिभुज में न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान पर होगी, ठीक है। हमारे पास सपोज डेट दो कच्चे माल के स्रोत थे, एक बाजार था, लेकिन अचानक हमें पता चला कि एक कच्चे माल का स्रोत और है, तो फिर एक और क्या बन जाएगा, नया त्रिभुज बन जाएगा उसके द्वारा, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हमें क्या करना है, उस नए त्रिभुज के अंदर हमें वहाँ पर उद्योग लगाना है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा न्यूनतम होगा। जैसे एक कच्चा माल स्रोत ये था, एक कच्चा माल स्रोत ये था, बाजार ये था, ठीक है। लोस मोदे ने इसी तरीके से समझाया, ध्यान रखना, ये कुछ आलोचनाएं होंगी लोस मोदे के सिद्धांत की, कि यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्टली ऐसी स्थिति माना है कि डायरेक्टली त्रिभुज बन रहा हो, ठीक है। इन्होंने मान लिया कि हमें पता चला अचानक कि यहाँ पर भी कच्चे माल का स्रोत है, अब ये दो त्रिभुज बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बीच में वहां पर इंडस्ट्री लगानी है जहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, ठीक है। स्थानीय त्रिभुज लोस से संबंधित है, यह ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आप जेरप क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी कब, जून 2024 में, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, ठीक है। यदि आप जून 2024 में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ जेरप क्वालिफाई करना चाहते हो, अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से बहुत गजब तरीके का तैयार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्योग्राफी इस तरीके से तैयार हो जाए कि हम किसी भी एग्जाम में बैठे वहाँ पर हमारा बहुत गजब का स्कोर हो, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो नेट जेरप का हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का हो, हम ज्योग्राफी के किसी भी एग्जाम में बैठे तो वहाँ पर हम धमाल मचाएं, वहाँ पर हम झंडा गाड़ दें एक तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट किया, जहाँ पर हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तैयार करने वाले हैं। यदि वो आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इनके थ्रू आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो बैच के रिगार्डिंग। फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है फिलहाल में, ठीक है। अब हम यांत्रिक मॉडल को समझते हैं, मैकेनिकल मॉडल को समझते हैं, ये क्या है। यदि किसी क्षेत्र में कच्चे माल के अनेक स्रोत और बाजार हैं तो उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जाएगी जहां इन सभी कारकों के बीच संतुलन स्थापित हो। इस स्थिति में उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए यांत्रिक मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अब सपोज डेट आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके कच्चे माल के स्रोत बहुत सारे हैं, ठीक है, और जिसका बाजार भी बहुत सारी जगह पर है, मतलब कच्चे माल के स्रोत भी बहुत सारे हैं, साथ ही साथ बाजार भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो जिसके कच्चे माल के स्रोत 8-10 हैं और जिसके बाजार भी 8-10 हैं, तो इस स्थिति में आप अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर लगाओगे। तो ध्यान रखना साथियों, ऐसी स्थिति में आपकी फैक्ट्री वहां पर लगेगी जहां पर इन सभी कारकों के बीच में क्या होगा, बैलेंस होगा, जहां पर इन सभी कारकों के बीच में संतुलन होगा। अब कौन सी जगह पर संतुलन होगा, इसको समझने के लिए लोस मोदे ने यांत्रिक मॉडल का उपयोग किया।
ठीक है। तो यांत्रिक मॉडल कब काम आता है? जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल के स्रोत बहुत सारे हों और उसके बाजार बहुत सारे हों, मतलब अलग अलग कई अलग अलग जगह पर कच्चे माल के स्रोत और कई अलग अलग जगह पर क्या हो, बाजार हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपने उद्योग को कहाँ पर लगाएं, इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? यांत्रिक मॉडल के द्वारा होगा। अब हम आइसोडोपेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई साहब, वेबर मोदे ने आइसोडोपेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? अब आपको याद आना चाहिए कि न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोडोपेन कहते हैं, ठीक है। और जाल स्वरूप था, एक जाल स्वरूप में क्या था कि जब बहुत सारे जो क्या है मार्केट के केंद्र या बहुत सारे बाजार के अंदर जब एक स्वरूप का निर्माण करते हैं या एक जाल स्वरूप का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और जिस सड़क को वो फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि मैं कल आपको समझा दिया था वेबर मोदे के सिद्धांत में, आपको अब याद आ जाना चाहिए। वो आइसोडोपेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वेबर ने किया था उद्योग की स्थिति को समझाने के लिए। लोस मोदे ने बताया कि प्रति इकाई वस्तु की समान परिवहन लागत के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब एक समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम आइसोडोपेन कहते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लोस मोदे ने माना है कि भाई वो समस्त स्थान जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल इक्वली आ रहा है उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहेंगे। आइसोवेक्टर्स, अब ये एक नए शब्द का उपयोग किया है किसने, लोस मोदे ने, आइसोवेक्टर्स, ठीक है। सम किराया दर रेखाएं साधारण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की प्रति इकाई केवल यातायात दर को दर्शाती है। ये रेखाएं सब केंद्रीय वृत्त होती हैं। सम किराया दर की रेखाओं द्वारा सम परिवहन लागत रेखाओं की रचना की जाती है, ठीक है। भाई सम किराया दर का मतलब हो गया वो स्थान जहां पर किराया एक समान लग रहा है, परिवहन की लागत एक समान लग रही है, तो ये किसको बता रही है, एक तरीके से आइसोडोपेन के बारे में ही बता रही है। तो अब यहाँ पर आपको स्पेशली याद रखना है कि सम किराया दर की रेखाओं द्वारा सम परिवहन लागत रेखाओं की रचना की जाती है, ठीक है। आइसोडोपेन की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है, आइसोवेक्टर्स के द्वारा की जाती है। अब हम न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु की स्थिति को समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से है। दूरी के अनुपात में भिन्न शुल्क पद्धति को चार स्थितियों द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, वजन का अनुपात, भाई जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो वजन के अनुपात प्रभावित होता है। स्थानीकरण के विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, ठीक है, कि वो जो स्थान जहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री को लगा रहे हैं उनकी सापेक्षिक स्थिति कैसी है। दूसरा, व्यवस्थित यातायात व न्यूनतम यातायात खर्च स्थिति, आपका एक तो व्यवस्थित बिल्कुल सिस्टमेटिक यातायात होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। परिवहन मिलन बिंदु स्थिति, ठीक है। तो न्यूनतम परिवहन लागत की स्थिति का परिसीमन चार स्थितियों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें पहला वजन अनुपात है, दूसरा स्थानीकरण के विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति है, तीसरा व्यवस्थित यातायात और न्यूनतम यातायात खर्च की स्थिति है, और चौथा परिवहन मिलन बिंदु की स्थिति है। इन सभी को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। कुल लागत आधारित कारखाना स्थिति, हम इसको समझते हैं। कुल लागत के अंतर्गत उन सभी लागतों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन के दौरान आती है। भाई कुल लागत आधारित कारखाना स्थिति, हम इसके अंदर उन समस्त लागतों को शामिल कर रहे हैं जो किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में होती हैं। अब इसमें प्यारे साथियों, भूमि का किराया आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, श्रमिकों की मजदूरी आ जाएगी, मशीनरी या उपकरण का खर्चा आ जाएगा, परिवहन का खर्चा आ जाएगा, कच्चे माल का खर्चा आ जाएगा, ऊर्जा पर किया गया खर्चा आ जाएगा, आपने यदि कहाँ से लोन लिया है तो वो लोन का अमाउंट आ जाएगा, उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है उस ब्याज का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो भी खर्चा आ रहा है ना, उस समस्त खर्चे को किसमें किया शामिल किया जाता है, कुल लागत में शामिल किया जाता है। कच्चे माल का संग्रहण, उत्पादित माल के वितरण में दोनों पर होने वाली कुल लागत पर कारखाना स्थिति निर्भर करती है। भाई किसी भी कारखाने की जो स्थिति है ना, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर कि आप कच्चे माल को इकट्ठा करने में कितना खर्चा कर रहे हो, दूसरा उस उत्पादित माल को आप बेचने में कितना खर्चा कर रहे हो। तो किसी भी कारखाने की जो स्थिति है वो मेनली दो कारकों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला, कच्चे माल को इकट्ठा करने में कितना खर्चा आ रहा है, दूसरा तैयार माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना खर्चा आ रहा है। अब हम समझते हैं कुल प्राप्ति आधारित कारखाना स्थिति सिद्धांत, अधिक सुविधाजनक बाजार आधारित स्थिति, अधिकतम कुल प्राप्ति वाले स्थल की विशिष्ट स्थिति।
ठीक है ना, तो इसको आप नॉर्मली समझ भी सकते हो। लॉस के अनुसार बाजार क्षेत्र का आकार मांग शंकु से प्राप्त बाजार क्षेत्र का आकार षटकोणीय होता है, ठीक है। तो लॉस के अनुसार बाजार क्षेत्र का जो आकार है वो मांग शंकु से प्राप्त बाजार क्षेत्र का षटकोणीय होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, लॉस मोदे ने माना है कि बाजार क्षेत्र का जो आकार है वो कैसा होगा, षटकोणीय होगा। पहला स्टेटमेंट कि लॉस मोदे के अनुसार बाजार क्षेत्र का आकार कैसा होगा, षटकोणीय होगा। दूसरा स्टेटमेंट, लॉस मोदे के अनुसार या लॉस मोदे के मांग शंकु के अनुसार बाजार का आकार कैसा होगा, षटकोणीय होगा। तो लॉस मोदे के अनुसार बाजार का आकार षटकोणीय, लॉस मोदे के मांग शंकु के आधार पर बाजार का आकार कैसा होगा, षटकोणीय होगा। बाजार का आदर्श, आदर्श षटकोणीय प्रतिरूप मधुमक्खी के छत्ते के भांति होता है, ठीक है। लॉस मोदे ने बताया कि बाजार का जो आकार है ना वो रियलिटी में देखने पर कैसा लगता है, जैसे मधुमक्खी का छाता हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेता था जिनका मानना था कि बाजार का जो आकार है वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, वो लॉस मोदे का मानना था। न्यूनतम लागत पर बिना विचार किए अधिक आय देने वाले बाजार में भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। भाई हम अपने इंडस्ट्री को वहां पर भी लगा सकते हैं जहां पर टोटल लागत कम आ रही है और टोटल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। किसी कारखाने की स्थापना के लिए वह स्थान सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है जहां उद्योग स्थापित करने से सर्वाधिक आय प्राप्त करने की संभावना होती है। लॉस मोदे ने बताया कि हम अपनी फैक्ट्री को वहां पर भी लगा सकते हैं जहां पर हमें टोटल ज्यादा इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है। लाभ आधारित कारखाना स्थिति निर्धारित सिद्धांत, उद्योग की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वो होता है जहां पर अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर परिवहन कर उत्पादन की लागत कम हो और वहां से आय अधिकतम हो। अधिकतम लाभ कुल प्राप्ति व कुल खर्चे में अधिकतम धनात्मक अंतर होने पर मिलता है। भाई आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब कुल आय और कुल खर्च दोनों के बीच में अधिकतम अंतर होगा, ठीक है। कुल आय सपोज 10,000 रुपये है और कुल खर्चा केवल 1,000 रुपये, तो दोनों के बीच में 9,000 का अंतर है। वहीं दूसरी साइड बात करें, कुल आय 10,000 रुपये, कुल खर्चा 5,000 है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5,000 है। अधिकतम अंतर कहाँ था, 9,000 रुपये का था, जब आय 10,000 थी, खर्चा 1,000 रुपये का था। तो यहाँ पर क्या है, आय और खर्चे के बीच में अधिकतम अंतर है जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दूसरी स्थिति में जहां पर आय 10,000 थी, खर्चा 5,000 का था, दोनों के बीच में 5,000 का अंतर था जो कि एक न्यूनतम अंतर है, तो यहां पर प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉस मोदे ने बताया कि भाई हमें उद्योग वहां लगाना चाहिए जहां पर टोटल आय और टोटल खर्च के बीच में अधिकतम अंतर होता है, ठीक है। और लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ को ज्ञात करने के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया कि प्राप्ति में से खर्च को निकाल दो, आय में से खर्चे को घटा दो, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉस मोदे ने अपने सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जो हमने भी यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको अच्छे तरीके से लॉस मोदे का मॉडल समझ में आ गया होगा। लॉस मोदे, वेबर मोदे दोनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, डीपली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। मिलान वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, केवल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादातर चांस यही है, ठीक है ना। लॉस और वेबर मोदे का जो सिद्धांत है, यहाँ से ज़्यादातर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन दोनों के सिद्धांत की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब हम इसके फल की जो बाजार क्षेत्र विचारधारा है, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। चलो तो अब हम इस मॉडल को पढ़ लेते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी लिखा हुआ है, इसको ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी कर लो, डी की जगह पर आपको के करना है, फिर हो जाएगी ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं बिंदु रोध सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बिंदु रोध सिद्धांत कहते हैं। और अब हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, क्या है, किस तरीके से है, बिंदु रोध सिद्धांत क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, इसको हम अच्छे बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, बिंदु रोध सिद्धांत 1978 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1978 में दिया गया था। इसके फल ने बाजारोन्मुखी उद्योग की स्थापना का अध्ययन किया और बेकरी उद्योग का इन्होंने गहन अध्ययन किया, ठीक है। जो इसके फल मोदे उनके द्वारा ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, बिंदु रोध सिद्धांत 1978 में दिया गया था, ठीक है।
एक विद्वान थे इसके फल, जिनके द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके फल ने बाजारोन्मुखी उद्योग की स्थापना का अध्ययन किया कि जो बाजारोन्मुखी जो उद्योग हैं उनकी हमें स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए। बाजारोन्मुखी उद्योग वो उद्योग होते हैं जो बाजारों की ओर आकर्षित होते हैं, बाजारों की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है। तो इसके फल ने बाजारोन्मुखी उद्योग की स्थापना का अध्ययन किया और इन्होंने स्पेशली तरीके से जो बेकरी उद्योग था ना उसका बहुत ही डिटेल से बहुत ही डीपली इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। तो इसके फल मोदे बाजारोन्मुखी उद्योग की स्थापना का अध्ययन करने वाले विद्वान थे, इनके द्वारा स्पेशली तरीके से बेकरी उद्योग का गहन अध्ययन किया गया। इसके फल के अनुसार उद्योग बाजार के प्रत्यक्ष आकार के अनुपात के अनुसार आकर्षित होते हैं। इसके फल मोदी ने बताया कि जो उद्योग है ना वो बाजारों के प्रत्यक्ष आकार के अनुपात में क्या होते हैं, जो इसके फल मोदी ने बताया कि उद्योग बाजारों के प्रत्यक्ष आकार के अनुपात के अनुसार क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन बढ़ती दूरी के साथ यह आकर्षण बढ़ते वर्ग अनुपात के कारण घट जाता है, ठीक है। इसके फल मोदी ने बताया कि उद्योग बाजार के प्रत्यक्ष आकार के अनुपात के अनुसार क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उद्योग और बाजार के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये आकर्षण घटता जाता है। आकर्षण ज्ञात करने के लिए उनके द्वारा एक सिद्धांत एक सूत्र दिया गया और वो सूत्र कुछ इस तरीके से था कि MIJ बराबर PIPJ बटा D स्क्वायर, ठीक। अब M का मतलब है बाजार, J का मतलब है I और J बाजार, दो बाजार कस्बे हैं, ठीक। मतलब दो बाजार हैं, एक I नाम से है और दूसरा J नाम से है, ठीक है। MIJ दो बाजार कस्बे, M और जो MIJ है वो हमें बता रहा है किसके बारे में, दो बाजार कस्बे I और J के बीच की अंतःक्रिया के बारे में। PIJ क्या है, PIJ क्या है, I और J है जो वहाँ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। M का मतलब हो गया मार्केट, आई एक मार्केट हुआ और जे एक मार्केट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम PIJ के बारे में डिस्कस करें, पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन, आई का मतलब हो गया पहला कस्बा और जे का मतलब हो गया दूसरा कस्बा, ठीक है। डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, बाजारों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि दो बाजार आई और जे के बीच की अंतःक्रिया बराबर दो नगरों के बीच की या दो नगरों की जनसंख्या बटा दो बाजारों के बीच की दूरी, ठीक है। ये इनका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो असमान जनसंख्या वाले कस्बों की बाजार क्षेत्र सीमा की स्थिति ज्ञात की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार दो असमान जनसंख्या वाले कस्बों की बाजार क्षेत्र सीमा की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सिद्धांत है इसके द्वारा दो असमान जनसंख्या वाले कस्बों की बाजार क्षेत्र सीमा की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, अर्थात एक छोटा या बड़ा कस्बा, एक छोटे या बड़े कस्बे का बाजार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी बाजार सीमा कहाँ तक है। साथ ही यह भी बताता है कि दूसरे बड़े या छोटे बाजार की सीमा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त हो रही है। इसमें छोटे कस्बे की सीमा द्वारा ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पर आप इनको मत याद करो, आप यहाँ पर केवल डायरेक्टली ये याद कर लो कि ये जो सिद्धांत है इसके द्वारा दो असमान जनसंख्या वाले कस्बों का बाजार क्षेत्र सीमा की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। और इसी से हम अलग अलग प्रकार के सूत्र बना सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था MIJ बराबर PIJ बटा D स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र याद कर लो और आप ये सूत्र याद कर लो, दोनों के दोनों किससे संबंधित है, तो दोनों के दोनों जो सूत्र है वो इसके फल मोदे के द्वारा संबंधित हैं या इसके फल मोदे से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीमांत अवस्थिति विचारधारा को पढ़ लेते हैं। भाई यहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हमें यहाँ पर मोटा मोटा याद करना है। सीमांत अवस्थिति या सीमांत स्थिति विचारधारा, जिसको हम द मार्जिनल इंडस्ट्री लोकेशन बोलते हैं, ये दो विद्वानों के द्वारा दी गई थी। एक थे E.M. रास्टोन और दूसरे थे D.M. स्मिथ, ठीक है। तो ये दो विद्वान थे जिनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सीमांत अवस्थिति विचारधारा का प्रतिपादन रास्टोन ने किया और इसे आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है, स्मिथ को दिया जाता है, ठीक है। भाई लोगों, जो सीमांत अवस्थिति की विचारधारा है,
सीमांत अवस्थित की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? रास्ट्रोन ने किया था। इस सिद्धांत को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास किसने किया था? स्मिथ ने किया था। ठीक है, स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखी गई थी इंडस्ट्रियल लोकेशन, जिसमें इनके द्वारा इस सिद्धांत को आगे की ओर बढ़ाया गया था। ठीक है, स्मिथ महोदय ने वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में संशोधन करते हुए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्मिथ महोदय ने क्या किया था, वेबर का जो मॉडल था उसी में संशोधन किया और इन्होंने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। तो जो स्मिथ महोदय का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वेबर महोदय के सिद्धांत पर आधारित है। वेबर महोदय के सिद्धांत में क्या है, मॉडिफिकेशन है। स्मिथ ने रास्ट्रोन की विचारधारा को लाभ के सीमांत के अस्तित्व के आधार पर आगे विकसित किया। स्मिथ ने वास्तविक जगत औद्योगिक स्थल का निर्धारण करते समय आर्थिक सीमाओं को स्पष्ट करने पर बहुत ही अच्छे तरीके से बल दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय इन दोनों का प्रयोग किया, पहला स्थानीय लागत वक्र और दूसरा क्षेत्रीय आय वक्र। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये 1971 पता होना चाहिए और इससे पहले वाली जो सन थी 1958 वो पता होनी चाहिए। आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, बचा बीच में एक ये, इसको भी आप दो तीन बार रिपीट कर लेना ताकि ये भी थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारा सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब क्षेत्रीय स्थानिक, यहाँ पर स्थानिक करो स्थानिक। ठीक है, तो स्थानिक लागत वक्र और क्षेत्रीय आय वक्र ये दोनों क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्थानिक लागत वक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। यह रेखा जो किसी दिए गए बिंदु से बढ़ती दूरी के साथ उत्पादन प्रक्रिया के व्यय को स्पष्ट करती है। ठीक है, अब भाई जो स्थानिक लागत वक्र है ना, वो किसके बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो लागत किस तरीके से परिवर्तित तो होगी, लागत किस तरीके से बढ़ेगी, उसको समझाता है। ठीक है भाई, जैसे 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 दूरी में परिवर्तन होगा तो उसके अनुसार लागत किस तरीके से प्रभावित हो रही है। सपोज डेट बाजार और फैक्ट्री के बीच में डिस्टेंस परिवर्तित हो रही है तो उससे भी क्या होगा, उससे भी व्यय प्रभावित होगा। कच्चे माल और फैक्ट्री दोनों के बीच की डिस्टेंस प्रभावित हो रही है तो भी वहां पर क्या होगा, व्यय प्रभावित होगा। तो इन्होंने बताया कि यह एक क्षेत्रीय जो स्थानिक लागत वक्र होता है, जो स्थानिक लागत वक्र होता है वो क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो बढ़ती दूरी के साथ उत्पादन प्रक्रिया का जो व्यय है उसको स्पष्ट करती है कि बढ़ती दूरी के साथ उत्पादन की प्रक्रिया का खर्चा किस तरीके से बदल रहा है। इसे हम आकृतिक रेखिक भी कहते हैं, आकृतिक रेखा भी कहते हैं। स्थानिक लागत वक्र स्थानिक आय वक्र की प्रवणता जितनी अधिक रहेगी औद्योगिक अवस्थापना की सीमाएं उतनी ही अधिक संतुलित होंगी। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्थानिक लागत वक्र और स्थानिक आय वक्र दोनों का ढाल, दोनों की प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी औद्योगिक अवस्थापना की जो सीमाएं हैं उतनी ज़्यादा क्या होंगी, बैलेंस में होंगी। इस तरीके से ये है लागत वक्र। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा बैलेंस होगा ना उतना ही क्या होगा, बेस्ट स्थिति होगी किसके लिए, उद्योग की स्थापना के लिए। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग उद्योग की स्थापना यहाँ पर की जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में बिल्कुल बैलेंस वाली स्थिति है। ठीक है, कोई उद्योगपति अपने व्यक्तिगत कुशलताओं अथवा अन्य तत्वों के प्रभाव से अनुकूलतम उद्योग से हटकर भी स्थानिक सीमाओं के भीतर उद्योग स्थापना हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, यदि कोई उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर दिमाग है, तो वो अन्य तत्वों के प्रभाव के अनुकूलतम उद्योग न लगाकर वो अलग तरीके का उद्योग भी एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है भाई, कोई बहुत ही गजब तरीके के दिमाग वाला बिजनेसमैन है, ठीक है, और कोई एरिया है जहाँ पर चीनी उद्योग के लिए अनुकूलतम दशाएँ हैं कि वहाँ पर आप चीनी उद्योग बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब उस एरिया में कोई बहुत दिमाग वाला बिजनेसमैन है तो चीनी उद्योग वाला जो एरिया उसमें वो किसी दूसरे उद्योग को भी क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है और उसको चला सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से क्या, क्षेत्रीय आय वक्र है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, क्षेत्रीय आय वक्र यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, और ये है लागत वक्र। ठीक है ना भाई, ये ग्राफ है, इनको समझने की मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके फैक्टों को थोड़ा याद कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। वह रेखा जो किसी बिंदु से बढ़ती दूरी के साथ उत्पादित वस्तु की मांग के अनुसार
आय की भिन्नता को स्पष्ट करती है। ठीक है, एक ऐसी रेखा, क्षेत्रीय आय वक्र क्या होता है, क्षेत्रीय आय वक्र एक ऐसी रेखा होती है जो बढ़ती दूरी के साथ उत्पादित वस्तु की जो मांग है उससे जो आय प्राप्त हो रही है उसकी जो भिन्नता है उसके बारे में बताती है। मतलब टोटल आय में किस तरीके से भिन्नता आ रही है उसके बारे में बताती है। इसकी प्रकृति रेखिक होती है। स्मिथ के अनुसार औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र क्षेत्रीय आय वक्र एवं क्षेत्रीय लागत वक्र रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर होता है। ठीक है, स्मिथ महोदय ने बताया कि उद्योग की अवस्थिति के लिए जो प्राथमिकता का क्षेत्र है हमें उद्योग को वहां पर स्थापित करना चाहिए जहां पर क्षेत्रीय आय वक्र और क्षेत्रीय लागत वक्र दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरक्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इनके अनुसार प्यारे साथियों हमें अपने उद्योग को, स्मिथ बोधे के अनुसार हमें अपने उद्योग को इन दोनों स्थानों पर लगाना चाहिए। दोनों सबसे बेस्ट स्थान होंगे क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय लागत वक्र क्षेत्रीय आय वक्र आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। स्मिथ ने मांग और मूल्य को स्थिर रखते हुए, स्मिथ मोदे ने मांग और मूल्य दोनों को स्थिर रखते हुए औसत लागत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील बताया। सभी क्षेत्रों में मांग स्थिर होने के कारण उससे प्राप्त आय भी सभी जगहों पर एक समान रहती है, ये भी इन्होंने बताया। स्मिथ ने मांग और मूल्य को स्थिर रखते हुए, स्मिथ मोदे ने बताया कि मांग और जो मूल्य वो बिल्कुल स्थिर है, क्या बिल्कुल स्थिर है, औसत लागत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील बताया। स्मिथ मोदे ने बताया कि मांग और मूल्य दोनों स्थिर है। ठीक है, और जो लागत है वो क्या परिवर्तनशील है, लागत क्या हो रही है, बदल रही है। सभी क्षेत्रों में मांग स्थिर होने के कारण उससे प्राप्त आय भी सभी जगहों पर क्या होगी, एक समान होगी। तो स्मिथ मोदे ने बताया कि मांग और मूल्य दोनों क्या बिल्कुल बैलेंस की स्थिति में, मांग और मूल्य दोनों स्थिर है। ठीक है, लेकिन जो औसत लागत है वो क्या है, डायनेमिक है, वो क्या गतिशील है, वो क्या परिवर्तनशील है। ठीक है, और वस्तु की जो मांग है वो बिल्कुल स्थिर है, तो इस स्थिति में उससे प्राप्त जो आय है वो भी सभी जगहों पर समान प्राप्त होगी। ठीक है, तो स्मिथ मोदे ने बताया कि मांग और मूल्य दोनों स्थिर हैं, लागत में क्या आ रहा है, परिवर्तनशील आ रहा है, तो इस स्थिति में जो प्राप्त आय है वो एक समान होगी। ठीक है, स्मिथ ने बताया कि मूल्य रेखा के नीचे लागत रेखा होने की दशा में लाभ मिलता है। स्मिथ मोदे ने बताया कि मूल्य रेखा के नीचे यदि लागत रेखा होगी ना तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। सपोज डेट ये ग्राफ है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर मूल्य रेखा है, यहाँ पर लागत रेखा है। ठीक है, मतलब सामान ज़्यादा कीमत का बिक रहा है और उसमें लागत कम आ रही है। ठीक है ना भाई, लागत रेखा नीचे है मतलब लागत कम है, मूल्य रेखा ज़्यादा है मतलब वस्तु की कीमत ज़्यादा है, जब वस्तु की कीमत ज़्यादा है उसमें लागत कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इस स्थिति में हमें उद्योग को लगा देना चाहिए। उसके बाद स्मिथ ने बताया कि मूल्य लागत प्रबंधन या कर आदि में परिवर्तन के कारण स्थिति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। स्मिथ मोदे ने बताया कि मूल्य में लागत में यदि परिवर्तन होता है तो इससे, ठीक है भाई, स्मिथ मोदे ने बताया कि मूल्य में और लागत में या कर में परिवर्तन के कारण किसी उद्योग की स्थिति है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से परिवर्तन आते हैं। यदि मूल्य व लागत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर उद्योग को स्थापित नहीं किया जाएगा, मूल्य व लागत कम है तो वहाँ पर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। जहाँ पर उद्योग को स्थापित किया जा रहा है वहाँ पर धनात्मक है, जहाँ पर उद्योग को स्थापित नहीं किया जा रहा है वहाँ पर ऋणात्मक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, खर्चा ज़्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट कम है। स्मिथ के ने वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का निर्धारण करते समय आर्थिक सीमाओं को स्पष्ट करने पर बल दिया। ठीक है, तो स्मिथ ने वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का निर्धारण करते समय आर्थिक सीमाओं को स्पष्ट करने पर बल दिया। स्मिथ का सिद्धांत मुख्य रूप से वेबर के समपरिवहन लागत रेखा विधि पर आधारित है, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन लागत के स्थान पर कुल लागत को शामिल किया। भाई लोगों, स्मिथ का जो सिद्धांत है वो वेबर मोदे के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर आधारित है। वेबर मोदे ने न्यूनतम लागत को महत्वपूर्ण माना, लेकिन स्मिथ मोदे ने कुल लागत को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो स्मिथ का सिद्धांत न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है, लेकिन स्मिथ मोदे ने न्यूनतम परिवहन लागत को महत्वपूर्ण ना मानकर कुल लागत को महत्वपूर्ण माना है।
स्थानिक लागत वक्र उत्पादन के साधनों को एकत्रित करने व उत्पादन प्रक्रिया के व्यय को दिखाता है। ठीक है, स्मिथ के अनुसार उद्योग की स्थापना वहां होनी चाहिए जहां पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। क्षेत्रीय लागत वक्र ये क्या होता है, ये मैं एक बार भी बता देता हूँ। किसी दिए गए बिंदु से बढ़ती दूरी के अनुसार उत्पादन के साधनों को एकत्रित करने तथा उत्पादन प्रक्रिया के व्यय को दर्शाता है, जबकि क्षेत्रीय आय वक्र उत्पादित वस्तुओं की मांग तथा उनके अनुसार होने वाली आय की भिन्नता को दर्शाता है। भाई जो क्षेत्रीय लागत वक्र है वो जो टोटल किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आ रहा है उसकी भिन्नता को बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने में टोटली कितना खर्चा है। वो खर्चा उसमें परिवहन लागत भी शामिल होगी, बाकी अलग अलग प्रकार का जितना भी खर्चा रहे वो सारा शामिल होगा। क्षेत्रीय आय वक्र हमें बता रहा है कि उस प्रोडक्ट को बेचने से टोटल कितनी आय प्राप्त हो रही है, और उसमें जो भिन्नता है ना उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, क्षेत्रीय आय वक्र के द्वारा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पर जो टोटल आय प्राप्त हो रही है उसमें जो भिन्नता है वो क्षेत्रीय आय वक्र दिखाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल खर्चा आ रहा है और उसमें जो भिन्नता है उसको कौन दिखाता है, क्षेत्रीय लागत वक्र दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको ये दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए क्षेत्रीय आय वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्षेत्रीय स्थानिक लागत वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में पूरी मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ, और कल पढ़ेंगे फिर अगला टॉपिक।